हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने ये बात जरूर महसूस की होगी कि राजस्थान की रसीली रेत ने कई बड़े मशहूर और सुरीले फूलों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक का नाम था गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब के वालिद जो थे जनाब नबी बख्श, बड़े उम्दा तबला नवाज थे और उन्हीं की देखा देखी नन्हे गुलाम मोहम्मद लय से लगन लगा बैठे। दोनों जुड़ गए एक थिएटर कंपनी से, यानी पिताजी थे उस कंपनी में, बेटा भी आ गया। कंपनी का नाम था बीकानेर जोधपुर थिएट्रिकल कंपनी और उसके म्यूज़िक विभाग में दोनों बाप बेटे ताल की धूम मचाते रहे कई वर्षों तक। उसके बाद जब 1924 का साल आया तो ये सोचा गया कि गुलाम मोहम्मद जो हैं ये अब जवान हो चुके हैं और इन्हें अब जाना चाहिए बम्बई और वहाँ की जो कारोबारी फिल्मी दुनिया है उसमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो ये आ पहुँचे बम्बई। बम्बई में इन्हें 8 साल तक दर बदर की खाक छाननी पड़ी, कोई काम नहीं मिला साहब। आखिर 1932 में जाकर उन्हें नौकरी मिली सरोज मूवी टोन में, तबला वादक की नौकरी। अब तबला और ढोलक के तो ये उस्ताद थे ही, लिहाजा खूब जोरों में बजाते रहे और साथ ही साथ उन्होंने और कई रिदम इंस्ट्रूमेंट्स की भी मश्क कर ली, उसमें महारत हासिल कर ली, जैसे चिमटा और खंजरी और मटका और डफ वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद देखते ही देखते उनका जो वो बीकानेरी बांकपन था वो कुछ इस तरह से रंग लाया कि लय का ये खिलाड़ी सुरों से भी खेलने लगा साहब। और इस तरह से शुरू हुई कहानी श्री गुलाम मोहम्मद साहब की एक संगीतकार के रूप में। ये वो कहानी थी जो ख़त्म हुई पाकीज़ा तक पहुँच कर। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकीज़ा जब रिलीज़ हुई और उसके गाने सुपर हिट हुए तो उस कामयाबी का सहरा पहनने के लिए गुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं थे। देखिए, मैंने सिर्फ एक छोटा सा नक्शा खींचा आपके सामने उनके करियर की शुरू का और आखिर का। अब इस नक्शे में यादों की खुशबू भरने के लिए और सुरों के रंग भरने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुरीले लोग आएंगे, तो ज़रा दिल थाम कर देखते जाइए कि सरे राह चलते चलते कौन कौन आते हैं आपसे मिलने। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद साहब जो मेरे असिस्टेंट थे और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि वो सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं थे, मेरे सलाहकार भी थे, मुझसे ज़्यादा काबिलियत के मालिक थे। राजस्थान बीकानेर के रहने वाले थे, उनके वालिद साहब वो भी कलाकार थे स्टेज की दुनिया के। गुलाम मोहम्मद साहब भी बचपन में स्टेज की दुनिया में रहे। बम्बई में 1937 में जब मैं आया तो मैंने भी बहुत पापड़ बेले, कुल्लावा से दादर तक पैदल आता जाता रहा। इसी तरह गुलाम मोहम्मद साहब ने भी बहुत जद्दोजहद की और पहली नौकरी हमको न्यू पिक्चर, एक कंपनी थी न्यू पिक्चर उसका नाम था, चंबूर में बनी थी,
40 रुपए महीने पर मुझको पेटी बजाने पर नौकरी मिली और उसमें गुलाम मोहम्मद साहब को भी नौकरी मिली 40 रुपए पर। हम दोनों की मुलाकात वहाँ हुई 1937 में। उस्ताद झंडे खान साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो बहुत ही गुणी महान म्यूज़िक कंपोज़र। बहरहाल वहाँ से हमारा उनका साथ हुआ। फिर गुज़रा अरसा, गुज़रता गया और हमें म्यूज़िक डायरेक्टर होने की एक कहना चाहिए कि एजाज़ हासिल हुआ। हम जब म्यूज़िक डायरेक्टर बने तो कारदार प्रोडक्शन में जब हम गए तो गुलाम मोहम्मद साहब हमारे यूनिट में म्यूजिशियन में वो भी शामिल हुए तबला नवाज़ की हैसियत से। तो हमने उन्होंने साथ में 20 साल तक काम किया। और गुलाम मोहम्मद साहब आज जो ढोलक में ठेका बजता है, जो लग्गियाँ बजती हैं, ये गुलाम मोहम्मद साहब की इजाद थी। उन्होंने ये शुरू किया था, ढोलक की तरह तरह की लग्गियाँ तबले पर, काट तराश जिसको कहते हैं वो उन्होंने, आटे का बायां बजाते थे जिसमें बाएं की गमक वगैरह मिले बहुत अच्छी, ये सब उनकी जिद्दत थी। और उस वक्त चूँकि हमारे पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी इतनी नहीं थी, एक माइक्रोफोन पर ये सब कुछ होता था, गाने वाला भी म्यूजिशियन भी, सब कुछ एक माइक्रोफोन पर। तो उस वक्त भी ये कमाल गुलाम मोहम्मद साहब ने किया और हमारे म्यूज़िक में उन्होंने जान डाली। इसमें कोई कलाम नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी सलाहें मुझे दी, बहुत अच्छे मशवरे मुझे दिए। फिर पी एन अरोरा साहब एक थे, उनको मैंने रिकमेंड किया कि भाई गुलाम मोहम्मद साहब को आप म्यूज़िक का चांस दीजिए। वो एक पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम था डोली। डोली उनकी पहली पिक्चर थी, उसमें गुलाम मोहम्मद साहब ने काम किया। फिर वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोज़र बन गए और उन्होंने बहुत सी पिक्चरों में म्यूज़िक दिया। उनकी बहुत सी यादगार धुनें ऐसी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब में आप देखिए उनके बहुत अच्छे गालिब के गज़लों को जो उन्होंने कंपोज़ किया। और बहुत अच्छी और हमको ख़ासकर बच्चों के साथ में पालन पोषण करने के हम लेके बैठे रहते थे, वो अपने संगीत में खोए रहते थे और हमारे साथ कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं हुई। जब धुन बनाते थे तो हमें भी बात सुनाते थे, वह पास करवाते थे हमसे। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम वो एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे इंसान थे जो ना सिर्फ़ एक बेपनाह ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान थे। मेरा इत्तफाक़ उनसे मिलने का जब हुआ, जब मैं बहुत बच्चा था, मेरी उम्र तकरीबन 8-9 साल की थी और पाकीज़ा शुरू हुई थी बनना। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ब्लैक एंड वाइट में पाकीज़ा बन रही थी। शायद आप लोग ना जानते होंगे कि पाकीज़ा 3 स्टेजेस में बनी थी। एक शुरू में जब वो ब्लैक एंड वाइट में बन रही थी, फिर कुछ वक्त के बाद में ये ख्याल किया गया कि कलर का दौर आ गया था कि क्यों ना इसको, इस कलरफुल पिक्चर को, क्योंकि उसका जो माहौल था पूरा वो खासा कलरफुल था, तो क्यों ना ब्लैक एंड वाइट से इसको कलर कर दिया जाए। लिहाजा उसको कलर कर दिया गया। कुछ पोर्शन जब कलर का बन गया तो फिर उसी उन्हीं दिनों सिनेमास्कोप का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले जो सिनेमास्कोप में फिल्म आई वो थी गुरुदत्त साहब की कागज़ के फूल। लेकिन पाकीज़ा वो पहली हिंदुस्तान की फिल्म थी जो कि कलर में सिनेमास्कोप में बननी शुरू हुई। तो मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ब्लैक एंड वाइट में पाकीज़ा बन रही थी और ग़ुलाम मोहम्मद साहब हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और म्यूज़िक का दौर हुआ हमारे घर में हुआ करता था। एक एक गाना
आप ये मत समझिए कि दो या तीन दिन में बन जाया करता था। ये जितने भी लोग उस ज़माने में हुए हैं जो आज मुश्किल से मिलते हैं, मैं तो ये कहूँगा आज कोई इस मिजाज का है भी नहीं कि किसी भी गाने के लिए वो इतना वक्त वो दे या इतनी इतना सब्र उसमें हो कि वो अब इतनी मेहनत किसी भी एक गाने में लगाए कि एक एक गाना जो है उसको बनाने में तकरीबन कोई 20-25 दिन लग जाया करते थे। तो ये सारे गाने जो थे वो घर पर हमारे उसकी बैठक हुआ करती थी और उसकी ट्यून बनती थी और वो सब बैठ करके उसको पास किया करते थे, उसको पसंद किया करते थे और फाइनली वो स्टेज आता था जब उसको रिकॉर्ड किया जाता था। मैं एक बात बताना बहुत ज़रूरी यहाँ समझता हूँ कि एक स्टेज फिल्म को बनाते बनाते ऐसा भी आया, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इस पाकीज़ा को बनाने में कितना वक्त लगा, ये क्यों लगा, क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, ये हर कोई नहीं जानता। मैं उस तफसील में जाना भी नहीं चाहूँगा, मगर एक वो स्टेज था जब ग़ुलाम अहमद साहब मरहूम दुनिया से चले गए थे, उनका ये म्यूज़िक का ख़ज़ाना कमाल साहब के पास में था, कमाल साहब को फाइनेंस की ज़रूरत थी और बहुत लोगों को ट्रायल्स दिखाए जा रहे थे कि किसी सूरत से कोई मान जाए और इस पिक्चर को पूरा करने में कमाल साहब की मदद करे फाइनेंशियली। तो आखिरकार एक साहब राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने अजीब किस्म की शर्त रखी कमाल साहब के सामने। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप अगरचे इस पिक्चर का म्यूज़िक बदल दें तो हम इस पिक्चर को फाइनेंस करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में जो आसमान की बुलंदियों पर थे वो कोई और थे, बहुत शोहरत याफ्ता म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे और वो म्यूज़िक डायरेक्टर चाह रहे थे, वो फाइनेंसर ये चाह रहे थे कि म्यूज़िक डायरेक्टर वो हो और ग़ुलाम अहमद साहब का नाम ना रहे। जिस पर कमाल साहब ने कहा कि देखिए जनाब, पाकीज़ा बने या ना बने ये तो मुकद्दर की बात है, मगर अगर पाकीज़ा बनेगी तो वो इसी म्यूज़िक से बनेगी। ग़ुलाम अहमद साहब दुनिया से चले गए हैं, उनकी अमानत है मेरे पास में, और जो शख्स आज दुनिया में नहीं रहा, आप क्या ये समझते हैं कि उसके साथ में मैं ये नाइंसाफ़ी करूँगा? शायद कुदरत को ये बात पसंद आई और एक अल्लाह का बंदा आ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पाकीज़ा मुकम्मल हुई और जो म्यूज़िक ने धूम मचाई वो आज भी तारीख बन चुकी है, लोग सुनते हैं, आज तक लोग भूले नहीं हैं। संगीतकार ग़ुलाम मोहम्मद से मेरी मुलाकात बस एक दो बार ही हुई थी और बहुत ही सरसरी तौर पर हुई थी, लेकिन उनके जो गाने थे, उनकी तर्ज़ें जो थी वो मेरे इर्द गिर्द घुमा करती थी, इसलिए क्योंकि उस ज़माने में मैं एक रेडियो प्रोग्राम पेश किया करता था, काउंटडाउन प्रोग्राम, हिट परेड प्रोग्राम, जिसका नाम था गीतमाला, और गीतमाला की सुरीली पादानों पर इनके कई गीत मंडराया करते थे साहब। इनकी फिल्में बहुत सारी आईं, जैसे लैला मजनू और दिले नादां, अंबर वगैरह, लेकिन जो दो फिल्में उनकी सबसे ज़्यादा हिट हुईं, यानी फिल्में भी हिट हुईं और उसके गाने भी हिट हुए, वो दो थीं, एक तो पाकीज़ा जो ग़ुलाम मोहम्मद के इंतकाल के 4 साल बाद रिलीज़ हुई, और दूसरी फिल्म थी 1954 की फिल्म, बहुत उससे पहले जो आई थी 1954 में, फिल्म मिर्ज़ा गालिब, जिसे आपको याद होगा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, बहुत पसंद की थी लोगों ने वो फिल्म और उसके गाने भी। आपको याद होगा सोहराब मोदी की फिल्म थी जिसमें भारत भूषण बने थे मिर्ज़ा गालिब और डोमनी बनी थी सुरैया। तो वो मेरे थे ही, लेकिन सब में पहले वो मेरे उस्ताद रहे, मैंने तबला और ढोलक उन्हीं से सीखा और आज उन्हीं की देन है जो मैं दाल रोटी कमा रहा हूँ, और एट द एज ऑफ 14 आई स्टार्टेड माई करियर एज अ ढोलक प्लेयर विद नौशाद, माई फादर एंड मैनी म्यूज़िक डायरेक्टर्स। काम के मामले में वो काफ़ी सख्त रहे, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें चाहिए, और कम से कम वो 5-6 रिहर्सल तो म्यूजिशनों के साथ, सिंगर्स के साथ वो लेते ही थे, और जब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी वो टेक ओके नहीं करते थे। और मुझे उनका एक गाना मालिक का बहुत पसंद आया। एज ए फादर बहुत मुखलिस शख्स थे,
और इतने सादा तबीयत थे कि हमेशा बिल्कुल अपनी एक धुन में रहा करते थे। तो उनकी एक धुन मुझे बहुत पसंद है, वो आज तक मैं उसको गुनगुनाता हूँ तो बड़ा एक इमोशनल और बहुत यानी पैथोस उसमें है। गुलाम मोहम्मद साहब बहुत ही गुणी कंपोज़र थे। राजस्थान की धरती तो है ही सुरीली, और उन्होंने पाकीज़ा और मिर्ज़ा गालिब और भी फिल्मों में बहुत ही सुरीला और ना भुलाने वाला काम किया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे उन्होंने फिल्म दिले ना दा में सभी हीरोइन के गाने के लिए आमंत्रित किया और मैंने सभी गाने गाए। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। इससे पहले मैंने फिल्मों में गाया था, लेकिन किसी में पंजाबी फिल्म में एक गाना और एक और हिंदी फिल्म में एक गाना। इन्होंने मुझे पहला चांस सभी गाने गाने के लिए दिया। मेरे फादर तो थे ही, मगर इसके अलावा भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। अक्सर मेरे साथ में वो बैडमिंटन खेला करते थे आउटडोर में, इंडोर में कैरम मेरे साथ खेलते थे। मगर जब वो कैरम खेलते थे, जब मेरी नज़र इधर उधर हो जाती थी, वो चुपके से अपनी उंगली से और वो अपनी गोटियों को हटा दिया करते थे, यानी थोड़ी बहुत चीटिंग भी मुझे मेरे साथ कर लिया करते थे। मगर मुझसे बहुत मोहब्बत थी, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरे नाम से मुझसे, क्योंकि छोटा था, बहुत मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने अपने मेरे नाम से अपने घर का नाम इकबाल हाउस रखा। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, बहुत अच्छे मेलोडीज म्यूज़िक डायरेक्टर तो थे ही वो। वाली साहब का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त मेरी मुश्किल से उम्र 12 साल की थी, और मेरा उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मुझे मौका नहीं मिला। एक दिन का वाकया है, मैं खेलते कूदते सीटिंग रूम में चले गया, तो उस वक्त वाली साहब रफ़ी साहब कोई गाने की रिहर्सल करवा रहे थे, और वो गाना शायद भोजपुरी फिल्म का था। तो मुझे अचानक डांट के कहा कि खामोश बैठ जाओ और आवाज़ आवाज़ नहीं करना। तो मैं चुपचाप खामोश वो गाना सुनते रहा। आज तक वो गाना मेरे जहन में बसा रचा हुआ है। उस ज़माने के कंपोज़र बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे अपने काम में, बहुत परफेक्शन चाहते थे, बहुत रिहर्सल्स करवाते थे। तो मुझे एक वाक्या याद आ रहा है कि उन्होंने एक गाना हमें रिहर्स करवाया, जिसमें तलत महमूद साहब, सुधा मल्होत्रा जी और मैं तीनों ने मिलके गाना था। एक रिहर्सल करवाई, दूसरे दिन जब फिर हम रिहर्सल के लिए गए, तो मेरी जो लाइन थी वो तलत साहब को दे दी और तलत साहब की लाइन मुझे दे दी। और मेरे से इतना अच्छा नहीं गाया जा रहा था, क्योंकि एकदम चेंज हुआ था। तो बहुत डांटा उन्होंने मुझे, कहते कैसे गा रही हो। तो मैं बहुत घबरा गई और मेरा मन बहुत छोटा सा हो गया। लेकिन आके मैं घर में बहुत रोई भी, और लेकिन जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई असली, तो इतना मुझे प्यार से उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छा गा रही हो। तो मेरा हौसला बढ़ गया और सबको बोला कि जैसे जगजीत गा रही हैं उसी तरह से, उसी अंदाज में सब लोग गाइए। तो वो गाना था मोहब्बत की धुन, बेकरारों से पूछो ये नगमा है क्या, चांद तारों से पूछो। जब गुजरने से पहले, महीना 20 दिन पहले मुझसे कहा था कि भाई अभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो मेरी हालत ऐसी है, कुछ भरोसा नहीं मेरा। उनको गुजरे हुए 32 साल हुए, आज ही ऐसा मतलब हमारे साथ ही हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा आपसे कि गुलाम मोहम्मद साहब बहुत काबिल इंसान थे, अपने काम में बहुत काबिल थे, बहुत शरीफ थे, और सूफीज़म में ज़्यादा बिलीव करते थे। और एक यहाँ बड़े भारी सूफ़ी थे, फ़कीर बुज़ुर्ग, उनके वो मुरीद भी थे। उनकी खानकाह, उनका मज़ार सोना पुराने सोनापुर में है, वहाँ वो हर जुमेरात को जाके कव्वाली में ढोलक भी बजाते थे पीर साहब के वहाँ। तो ये उनका मिजाज था, बहुत ही लायक और शरीफ आदमी थे। काम में ही नहीं, किरदार के हिसाब से भी वो बहुत शरीफ थे, बहुत अच्छे, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, और आज भी, और वो भी मुझे इज्जत देते थे। ये उनका बड़ापन था, मुझको अपना उस्ताद मानते थे, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ।
मगर फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी थी। पाकीजा, शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से जब इसको बनाने के बारे में सोचा गया, कमाल अमरोही साहब के दिलो दिमाग में सिर्फ एक नाम था और वो था गुलाम मोहम्मद। और मैं आज इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि गुलाम मोहम्मद साहब का ही म्यूज़िक था। और एक बात आपको हैरान कन और बता दूँ मैं कि इस पिक्चर में जितने गाने आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी और भी गाने रिकॉर्ड किए गए थे, वो भी मार्केट में हैं, शायद आप उनको भी सुनिए। और मेरे ख्याल में उनको भी सुनेंगे तो आप फिर यही कहेंगे कि क्यों ना इन गानों के साथ में एक और पाकीज़ा बनती। गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में सिर्फ 30 या 35 फिल्मों में संगीत दिया और 58 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इस अरसे में उन पर बड़ी मुश्किलें आईं साहब। कभी अगर कामयाबियों का सूरज खिला तो फौरन ही दुख के बादल भी घिराए, और कई बार उन्हें गरीबी ने, गुर्बत ने सताया, कभी बीमारी ने सताया। वो कहते हैं ना कि जाने क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक, मतलब ये कि बूंद पर मोती बनने से पहले जाने क्या क्या तकलीफें पड़ती हैं। तो ये वो बूंद, वो कतरा था जो कतरे से मोती बनकर फिर कतरा बनकर बह गया। लेकिन उन्होंने जो तर्जें बनाई, वो तर्जें हमेशा हमेशा मोती बनकर हमारी जीवन को संवारती रही हैं और संवारती रहेंगी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो।